ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच बिकार तिन संतन को वंदना सिर चरणन पर तार। परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां दसां पातशाहियां दे पावन प्रतक स्वरूप हाजर नाजर सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ करके इस महान सालाना समागम उत्ते जेकर मैं कह दिया कि समुचे हरियाणे की संगत का प्रतिनिध इकट्ठ इतनी वड्डी गिणती विच हर साल इस स्थान ते कीता जांदा है तां इह कोई अतकथनी नहीं है। सो इह सारा उपराला सन्मान योग संत बाबा गुरिंदर सिंह जी मांडी वालियां वल्लों कीता जांदा है और इह उपराला गरीब नवाज सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज साहिब जी दे वड्डे साहिबजादे धन धन बाबा श्री चंद साहब जी दे आगमन पुरब नूं समर्पित ये सालाना समागम रखे जांदे हन। हुणे आप जी ने सिख पंथ की धार्मिक सर्वोच्च हस्ती श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी की रसना तो बहुत भावपूर्त बचन उन्हां दी रसना तो आप ने सरवण किए हैं। खालसा जी जदों तो सतगुरु महाराज जी दे समय तो यह सिख पंथ दियां संप्रदावां होंद विच आईयां उदासीन संप्रदाय इस संप्रदाय ने सिख पंथ की बहुत वड्डी सेवा की है और धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी तो लैके छेवें पातशाह जी दे समय तक बहुत वड्डी आरबला दी उम्र दे अंदर धन धन बाबा श्री चंद साहब जी ने इस देश दे कोने कोने अंदर विचर के गुरु घर दा सिखी दा बहुत वड्डा प्रचार और प्रसार कीता और उन्हां दी बरकत दे नाल पतना पता ही नहीं कि किन्निया करूहां गुरु घर दियां प्रेमी बनिया श्रद्धालु बने गुरसिख सजे और उन्होंने अपने सचखंड प्याने तो पहला उदासीन संप्रदाय की समुची सेवा छेवें पातशाह जी नूं बेनती करके सतगुरां दे वड्डे साहिबजादे धन बाबा गुरदित्ता जी नूं लै के समुची सेवा बाबा गुरदित्ता जी की झोली विच पाई और बेनती की सच्चे पातशाह जो मेरे पास तप त्याग मेरे सतगुरु गरीब नवाज श्री गुरु नानक देव जी ने बख्शिश किया सी वह भी मैं गुरु घर नूं ही समर्पित करदा हाँ क्योंकि गुरता गद्दी दे आप मालक हो इस करके मैं अपनी सेवा गुरु घर नूं ही समर्पित करदा हाँ। इतना वड्डा त्याग इतनी वड्डी भावना धन बाबा श्री चंद साहब जी ने आप सतगुरां दे चरणां विच प्रगट की और हुणे सिंह साहब जी दर्शा रहे सन कि बाबा जी कितनिया अथाह शक्तियां दे मालक सन जिन्हां ने पता नहीं
किन्ने क भुले भटके प्राणियों नू गुरु दे नाल गुरबाणी दे नाल जोड़िया। संसार दे अंदर एक आत्मक शक्ति है, एक शरीरक बल होया करदा है। कई वेरी दुष्टां नू सीधे रस्ते ते लियाउण लई शरीरक बल दा प्रयोग करना पैंदा है, और कई वेरी आत्मक शक्ति दी लोड़ पैंदी है, उस द्वारा मनमुखां नू सीधे रस्ते ते लियाउणा पैंदा। गुरु घर दे अंदर दोनों ही शक्तियां सतगुरां ने आप स्थापित कीतियां हन। आत्मक बल नाम नाल सेवा सिमर नाल प्राप्त हुंदा है, और शरीरक बल गुरु साहब दियां दरसाइयां सिखियावां द्वारा नाल नाल प्राप्त कीता जांदा है। इस करके धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी तो लै के दसम पातशाह जी तक सारा गुर इतिहास जदों तुसीं पढ़ोगे, जिथे शरीरक शक्ति दी लोड़ पई उत्थे जुर्माणियां नूं शस्त्रां दे नाल सिद्धा कीता, और जिथे आत्मक बल दी लोड़ पई उत्थे हजूर ने इस्लाम दे गढ़ मन्ने जांदे वड्डे वड्डे उन्हां इलाकियां विच जिथे होर धर्म दी कोई गल ही सुण नूं तैयार नहीं सी, उत्थे हजूर ने काबे वर्गे मंदरां नूं अपने चरणां दी ताकत दे नाल घुमा के, और इसे तरह बगदाद वर्गे गढ़ दे अंदर इस्लामक जो गढ़ सी दस्तगीर पीर नूं नवा के गुरु घर दी आन मनाई, गुरु घर दी ईन मना के गुरु घर दे मरीद बनाया। सो ये दोनों पक्ष गुरु घर दे अंदर नाल नाल चलदे आए हन, पर वर्तमान समय अंदर जिहो जे हालात बने हुए है, अज सिखां नूं आत्मक तौर ते भी गुरबाणी नालों तोड़िया जा रहा है, क्योंकि अज गुरबाणी नालों तोड़न लई बहुत कोठियां चालां चलियां जा रही हैं। उस लई की साधन वरते जा रहे हैं कि आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी उत्ते किंतु परंतु नुक्ता चीनी शुरू की हुई है, और कलगीधर पातशाह जी की श्री मुख बाक बाणी श्री दसम ग्रंथ साहब उत्ते ऐस कोडे ढंग दे नाल नुक्ता चीनिया कीतियां जा रही हैं कि जेड़ियां नुक्ता चीनिया दे नाल भोले भाले और श्रद्धावान सिखां दे मनां नूं बहुत वड्डी ठेस ला के उन्हां लई भुलेखे खड़े कीते जा रहे हैं। खालसा जी अमृत दा बाटा जे आदि दीआं बाणियां नाल तैयार हुंदा है ता तीन बाणियां श्री दसम ग्रंथ साहिब जी दे विच्चों लै के अमृत छकाया जांदा है। अज कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए है नास्तक विचारधारा वाले जेड़े दसम दीआं तीन बाणियां दा पाठ करन तों भी संगत नूं रोकण लई आए दिन कूड़ दा प्रचार कर रहे है कि नितनेम तुसी जे करना जपजी साहब रह रहा साहब ना करो, जाप साहब तो प्रसाद सवई और चौपी साहब का पाठ करने की लोड़ ही नहीं। ऐसे लोगों तो सानू सावधान होने की लोड़ है। गुरबाणी ने सानू आत्मक शक्ति देनी है, और आदि बाणी दसम की बाणी का प्रातन समय विच गुरसिखा ने अभ्यास करके वड़े वड़े जुर्माणियां दे दंद खट्टे किते, और इस जुल्मी राज दियां जो इस धरती ते जुल्म हो रहे सन उन्हां दियां जड़ां खालसे ने पुट के खालसे दे निशान इस धरती दे उत्ते चलाए। ये सारी शक्ति गुरबाणी दे विच्चों आदि बाणी विच्चों दसम दी बाणी दे विच्चों खालसा लैंदा रहा, और खालसा जी जिथे अज बाणी ते रहत मर्यादा ते किंतु परंतु हो रहे हैं। सिंह साहब जी हुणे दस के गए हैं कि उत्थे पंथ दियां प्रातन संप्रदावां उदासीन संप्रदाय निर्मल संप्रदाय और निहंग सिंह जथेबंदियां इन्हां संप्रदावां बाबत भी बहुत कूड दा प्रचार किया जा रहा है। आप जी दे ध्यान हित रहे कि निर्मल भेख की स्थापना कलगीधर पातशाह जी ने की, और उदासीन संप्रदाय का मुढ़ धन गुरु नानक साहब जी ने आप स्थापित किया है। और पिछले दिनी
सन्मान योग सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी ने और पंजे सिंह साहबा ने एक इतना वड्डा शलाघा जो कार्ज किया है कि साडे विच दूरियां पैदा करन लई साडे नाल संप्रदावां नूं तोड़न वास्ते कुछ ऐसे लोग पैदा हो चुके सन जिहड़े साडे विच वंडियां पा रहे सन और साडे तों दूर कर रहे सन। उन्हां लोकां दी नापाक चाल नूं रोकण वास्ते पंजा सिंह साहिबाना ने श्री अकाल तख्त साहब जी तों आदेश दिता कि निर्मल संप्रदाय उदासीन संप्रदाय ये पंथ दा अनिखड़वां अंग हन। इन्हां ने सिख पंथ दे प्रचार और प्रसार विच बहुत वड्डा योगदान पाया। इन्हां दा जिन्ना भी सन्मान और सत्कार किया जाए थोड़े तो थोड़ा है और संगतां नूं आदेश जारी किया कि इन्हां संप्रदावां दा तनो मनो हर पक्ष तों पूरा सत्कार कायम रख्या जाए। ये बहुत वड्डा फैसला होया जिस नाल असी सारे दोबारा फिर एक मुठ हो के तुरे हाँ। साडे विच्चों पैदा हुए भुलेखे और भरम दूर किए गए हैं। मैं आप जी नूं बेनती करा कि जे उदासीन संप्रदाय की देण नूं वेखीए गुरबाणी के प्रचार विच तां योगदान पाया ही पाया जे सेवा का पक्ष भी लै लईए ता हरिमंदर साहब दियां हंसलियां दी सेवा बाबा प्रीतम दास जी बाबा बलखंडी दास जी वर्गे महापुरखां ने मोढ़ियां ते कईआं चुक के लक नाल कमर कसे बन के सिख राज दे ना बिखम समयां विच जिन्हां विच अज वर्गे साधन भी नहीं सन कि दरबार साहब दे अमृत सरोवर दे अंदर केवल बरसात दा पानी इकट्ठा हुंदा सी और वह भी बहुता सफाई वाला नहीं होया करदा सी। इन्हां सतपुरशां ने रावी नहर तो हंसलियां लिया के साफ स्वच्छ जल पाउण दी आप सेवा अमृत सरोवर दे विच सब तो पहला करवाई। उन्हां तो बाद धन बाबा गुरमुख सिंह जी कार सेवा वालियां ने बाबा श्याम सिंह जी श्री अमृतसर साहब वालियां ने सेवावां करवाइयां और जे जंगा युद्धां दा वक्त आया जिथे सेवा कीती उत्थे एक दी नहीं बल्कि बहुत वड्डे वड्डे गुरधामां दियां इतिहासक सेवावां उदासी संप्रदाय ने कीतियां। जे कुरबानियां दी गल आई पौंटा साहब दा पहला युद्ध कलगीधर पातशाह जी ने जिस वक्त कीता पहाड़ी राजियां दे नाल उत्थे उदासी संप्रदाय दे महात्मा महंत कृपाल दास जी ने जिस दा जिक्र कलगीधर पातशाह जी ने अपनी श्रीमुख बाक बाणी श्री दसम ग्रंथ साहब दे अंदर कीता है कृपाल दास कोप्यो कुतको संभारी हठी खान हयात के सीस चारी। ए संप्रदाय दे महात्मा दा जिक्र हजूर कलगीधर पातशाह आप करदे है कि जो हठी खान अपने आप नूं बहुत वड्डा बलवान जरनैल मनदा सी उस नूं परलोक नूं भेजण लई इतनी वड्डी दृढ़ता और शूरवीरता दे नाल महंत कृपाल दास ने मुकाबला कीता कि उस दी सदा लई अलख दुनिया दे विच्चों मुका दित्ती। इह कुरबानियां हन खालसा जी इस संप्रदाय दियां और 18वीं सदी दे अंदर जदों मुगलां जरबाणियां ने दरबार साहब ते हमले कीते सरोवर नूं पूर्ण वास्ते हरिमंदर साहब नूं ढह ढेरी करन वास्ते हर समय हमले हुंदे रहे उस वक्त हरिमंदर साहब दा प्रबंध उदासी संप्रदाय दे अधीन होया करदा सी और मुगलां ने ऐलानिया दुनिया दे अंदर ऐलान कीता सी कि जो हरिमंदर साहब दे अंदर जोत जगदी है इस नूं जेकर सदा लई बुझा दिता जाए तो सिखां दी जोत भी सदा लई बुझ जाएगी। और मैं तुहानूं दस दिया कि हरिमंदर साहब की जगदी अखंड जोत नूं सदा जारी रखण लई एक नहीं दो नहीं 17 उदासी महात्मा शहीद होए 17 और एक महात्मा घिओ और वट्टी लैके जांदा सरोवर दे विच पुट्ठी तारी ला के मुगलों तों बचा करदा होया जोत विच घिओ पा के मुड़दा आउंदे नूं तुरंत पकड़ के शहीद कर दिता जांदा सी और शहीद करन दा ढंग भी को के और तसीहे दे के शहीद कीता जांदा सी।
17 महात्मा की कुरबानी उदासी संप्रदाय के साधुओं की शहादत हुई हरिमंदर साहब की जोत नू अखंड रखन वास्ते के जालमां दे चैलेंज नू कुरबानियां दे के कबूल किया। सो इस करके खालसा जी इस संप्रदाय ने कुरबानियां विच भी बहुत वड्डा योगदान पाया, गुरबाणी दे प्रचार प्रसार विच भी बहुत वड्डा योगदान पाया। सिख कौम दा हरियावल दस्ता नाम दे गुरबाणी दे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ते आधारित है, पर यह गुलदस्ता यह बगीचा तद ही हरिया भरिया रह सकता है जे शूरबीर जोधे अपनी रत अपना खून इस कौमी बगीचे दे अंदर पौंदे रहिंदे है, क्योंकि कौम ने हमेशा ही बहुत वड्डियां कुरबानियां और शहादतां दित्तियां। साडा सत्कार करना कुरबानी वालियां दा शहीदां दा यह मुढ़ला फर्ज है। जे असी नहीं सत्कार करांगे अपने शहीदां दा शहीद परिवारां दा ता अपनी कौम की चढ़ती कला की अणख और गैरत नूं दुनिया दे अंदर किवें बुलंद रखांगे। शहीदां दा खून कौमां दी गैरत नूं दुनिया विच बुलंद रखदा है, कौमां दी आन और शान नूं दुनिया दे विच उच्चा चुकदा है। इस करके मैं तद कुछ सूखम बेनतियां कीतियां हन कि केवल बाहरला लिबास देख के किंतु परंतु करना बड़ा सौखा है, पर जे कुरबानियां जे अमीर इतिहास इन्हां संप्रदावां दा वेख्या जाए तो साध संगत जी साडा सिर इन्हां दी देण अगे सदा ही झुकदा है। इस करके मैं बेनती करांगा अज हिंदुस्तान विच्चों सिखां दी गिणती घटण दा इक कारण है कि असीं अपनियां संप्रदावां नूं अपने तो दूर कीता। कोई समा सी उदासी निर्मले हिंदुस्तान विच विचर के प्रचार करदे सन घर घर विच और हिंदू परिवारां विचों लोग सिंह सज के कौम की सेवा करते सन। 18वीं सदी दे विच ए संप्रदावां खालसे तैयार कर दिया सन, सिंह तैयार करते सन ते सूरमे अगे मैदाने जंग विच जूझ के जालमां नाल मुकाबला करके अपनी होंद नूं स्थापित रख्या करते सन। इन्हां ने साडी पनीरी तैयार की है, पर वो अज पनीरी बहुत घट गिणती विच तैयार हो रही है जिस दे कारण सानू बहुत वड्डा घाटा पिया। सो ये मैं सिंह साहब जी दी पंजी सिंह साहबाना दी सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी इकबाल सिंह जी जथेदार तक श्री पटना साहब सुभायमान है जिनी प्रशंसा की जाए मैं समझदा शब्दों विच नहीं आ सकती, थोड़ी तो थोड़ी है, क्योंकि एक बहुत वड्डा जिहड़ा साडे विच बखरेवा खड़ा किया जा रहा सी उन्हों मेटन लिए आदेश दे के एक पक्का इतिहासक फैसला दे दिता जिस नाल सारिया संप्रदावां विच आपसी सत्कार भ्रातरी भाव पैदा होया है। और वर्तमान समय अंदर जो गुरबाणी ते हमले हो रहे हैं, अमृत ते हमले हो रहे हैं, सिख कौम नूं बहुत वड्डियां वड्डियां चुनौतियां, नशियां दी चुनौती है पूरे पंजाब विच, हरियाणे विच अजे कृपा है, और साबत सूरत केसां दी बहुत वड्डी चुनौती अज दे नौजवान सिक्खी तो बेमुख हो रहे हैं, और साडी पीढ़ी सिक्खी तो बेमुख हो के कुराहे पई हुई है। इन्हां चुनौतियां दा मुकाबला सारी कौम तद कर सकती है जे सारे आपां इकमुट हो के कौम दी चढ़दी कला लई तुरीए और घर घर विच होका देईए, नशे छड़ाईए। साबत सूरत सिखां दे घर विच पैदा होण वाले बच्चियां दे केस रखाईए और पूरे गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल जोड़न लई अपनी आवाज उठाई। अज देह धारी पखंडी घर घर विच पैदा होए है, कन्नां विच मंत्र दे रहे हैं और धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं चुनौती दे रहे हैं। उन्हां पखंडियां दा भी असी तद पूरे जोर नाल मुकाबला कर सकते हाँ जे सारे असी इकमुट होईए। महापुरख 20वीं सदी दे महान जरनैल संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालिआं ने जदों कौम दी वागडोर संभाली उदों साध संग जी कोई देहधारी पखंडी नज़र मारिया नहीं दिसदा सी इस धरती उत्ते, क्योंकि उन्हां दे पास गुरबाणी की शक्ति गुरमत रहत की शक्ति सी। उन्हां सतपुरशां की कुरबानी के बदौलत असी देहधारियां दा बिस्तरा इस धरती तो गोल किया, पर समें दियां सरकारां समें दियां सिख विरोधी एजेंसियां
उस कौम नूं प्रफुल्लित नहीं देखना चाहते, साडे बाणी बाणे नूं दुनिया दे विच देखना नहीं चाहते। और साडी एक विलखण हस्ती है से कौम दी, वक्री से कौम होण दा रुतबा इस कौम नूं प्राप्त है, वह इन्हां तों बर्दाश्त नहीं होंदी। इसे करके आए दिन साडे विच बखरेवे और साडे विच आए दिन वंडियां पाउण लई सानूं कमजोर करन लई चालां चलियां जा रहियां हन। इन्हां सारियां समस्यावां दा हल इको एक है कि असी एकमुट एकता की लड़ी विच अपने आप नूं प्रो के गुरबाणी तो आत्मक शक्ति लैके दसम की बाणी तो प्रेरणा लैके जिस बाणी ने जुल्म का मुकाबला करन दी बीरस साडे हिरदे विच भरन की शक्ति सानू दिती है, इन्हां बाणियां तो सिद्धांतों तो प्रेरणा लैके तुरीए तां कि कौम दियां आईयां चुनौतियां का मुकाबला डट के कर सकीए। ये बेनतियां हन। मैं समा ज़्यादा ना लवां क्योंकि गुरमत सिद्धांत प्रचारक संत समाज के बहुत ही सन्मान योग महापुरख और दमदमी टकसाल के महान विद्वान संत बाबा हरी सिंह जी रंधावे वाले उस स्टेज पर बैठे है, उन्होंने विद्वता भरपूर विचार तुहाडे अगे रखनिया और दल बाबा विधि चंद साहब जी की संप्रदाय दे अति सन्मान योग महापुरख संत बाबा दया सिंह जी तो वरोसाए महापुरशां दे सपुत्र जथेदार संत बाबा अवतार सिंह जी दल बाबा विधि चंद जी सुर सिंह वाले बैठे है और होर भी बहुत महापुरख ज्ञानी तरसेम सिंह जी का ढाडी जथा संगत दे विच सुभायमान है, सिंह साहिबान मौजूद है, सारे ने आप जी के दर्शन करने हैं। सो खालसा जी मैं समाप्ति ते फिर संत बाबा गुरिंदर सिंह जी का रोम रोम करके धन्यवाद करदा कि वह सिखी के प्रचार प्रसार विच और वड्डे वड्डे मसलों विच उन्होंने साडा हर समय हरियाणे की संगत वालों इतना वड्डा समर्थन किया कि मैं वो शब्दों में बयान करके नहीं दस सकता। सो उन्हां दा मैं रोम रोम करके बहुत बहुत धन्यवाद करदा और पंथ के महान विद्वान पंथ दियां स्टेजां दे संचालक ज्ञानी भगवान सिंह जी जौहल वर्गे इतने सुगड़ सियाने सूझवान जो कौम दियां स्टेजां नूं चलाउंदे है, जिथे ऐसे विद्वान आ के आप सारी इस स्टेज की अगवाई कर रहे होण, वह प्रोग्राम पूर्ण सफलता दे नाल कामयाब हुंदे है। सो इन्हां सारिआं दा ही बहुत बहुत धन्नवाद, भुला चुका खिमा करनिया, इतनी हाजरी प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। सतगुरु मानयोग संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरांवाले मुखी दमदमी टकसाल ते प्रधान संत समाज आप जी नाल कुछ समय लई विचारां करदे आं, उन्हां थोड़े जिहड़े बचन आप जी नाल सांझे कीते ने उन्होंने उचेचे तौर पर निर्मल संप्रदाय ते उदासीन संप्रदाय दे योगदान दी गल है। कदे सचखंड श्री दरबार साहब जाओगे ना, जाके वेखियो सचखंड श्री दरबार साहब दे मुख दरवाजे उपर महाराज रणजीत सिंह जी दी कराई हुई सोने की सेवा का जिक्र है। कदे जाके ना पिछे हंसलियां की गल करके गए ने, कदे सचखंड श्री उस पावन सरोवर नूं जिहड़ी जल की सेवा सी हंसलियां द्वारा वो उदासीन संप्रदाय दे संत बाबा प्रीतम दास जी संत बाबा संतोख दास जी ने करवाई, बहुत बड़ा योगदान सी उस पावन सरोवर दी हंसली बनाउणी और शुद्ध जल पहुंचाउणा और महापुरशां ने जिक्र कीता। कदी हर की पौड़ी जदों जाओगे ना चूला लाओगे उत्थे एक पत्थर लगा होया सचखंड जी दरबार साहब, होर कोई पत्थर नहीं है, कोई किसी का जिक्र नहीं। एक तो महाराज रणजीत सिंह दे हुण भी सोना चढ़िया पर उस सोने का जिक्र दुबारा नहीं होया, केवल महाराज रणजीत सिंह वालों उस पावन इमारत उपर सचखंड श्री हरिमंदर साहब उपर चढ़ाए सोने का जिक्र महाराज रणजीत सिंह वालों होया और उदा सोने के अखरों में लिखा होया मुख दरवाजे उपर। पर कभी हर की पौड़ी जाओगे तो उत्थे दमदमी टकसाल के सत्कारे महापुरश बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले का एक पत्थर लगा होया, कभी वेखोगे हर की पौड़ी के पत्थर लगा होया। इतों पता लगता है कि यह निर्मले महापुरश कि योगदान पाते रहे ने, उदासीन महापुरश कि योगदान पाते रहे ने। अज सचमुच ही जे परम भुलेखे ने ना सानू इस पावन बाणी तो दूर करने लई ने और इस सिखा सचेत करने लई सत्कार जो बाबा गुरविंदर सिंह जी होरां ने केंद्र खोल दिता हरियाणे विच।
मैनू जापदा है तुसी अगवाई लाओगे और ये अगवाई गुरु नानक साहब ने आप ही इन्हों प्रेरणा दे के मैं लगता सितंबर 1979 साल की अवस्था थी बाबा जी की जो ये काम शुरू किया कार्य 17-18 साल की उम्र वेखो थोड़े बच्चे किधर तुरे फिरते हैं बहुत बड़ा योगदान सत्कार्य बाबा गुरविंदर सिंह जी का मानजोग संतिया ने हरनाम सिंह जी खालसा जी का सत्कार सारे जथेदार साहबान इकट्ठे होकर करेंगे मानजोग सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी मानजोग सिंह साहब ज्ञानी इकबाल सिंह जी सत्कार्यो संत बाबा हरी सिंह जी रंधावे वाले बाबा गुरविंदर सिंह जी बाबा अवतार सिंह जी सत्कार कर रहे हैं मानजोग संत ज्ञाने हरनाम सिंह जी खालसा बोले सो निहाल शुक्रगुजार।